इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां राबड़ी आवास पर चल रही सीबीआई की रेड में ताला चाबी बनाने वाले को राबड़ी आवास पर बुलाया गया है। राबड़ी आवास से बाहर निकलने के बाद ताला चाबी बनाने वाले ने बताया कि कमरे में ताला लगा हुआ था, उसकी चाबी बनाने के लिए मुझे बुलाया गया था। जानकारी के अनुसार जाँच के लिए अब तक दो कमरों का ताला खोला गया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ नया केस दर्ज किया है, जिसके चलते सीबीआई की टीम सुबह से लालू परिवार के 17 से ज्यादा ठिकानों छापेमारी कर रही है। यह रेड रेलवे भर्ती में गड़बड़ी को लेकर की गई है। इसमें जमीन के बदले रेलवे में नौकरी की बात कही गई है। पटना, दिल्ली, भोपाल और गोपालगंज के कई ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। वहीं लालू परिवार के सदस्यों से सीबीआई की टीम बराबर पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि आरआरबी में हुई गड़बड़ी और नौकरी के बदले जमीन को लेकर सीबीआई की टीम ने लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर भी सुबह से सीबीआई की छापेमारी जारी है। वहीं सीबीआई की टीम इस मामले को लेकर लालू परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी ले रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि राबड़ी आवास से बाहर आते वक्त ताला चाबी बनाने वाले ने क्या कुछ बताया है। तो क्या घर का ताला खोले कि बच्चे का भी? अरे रूम के ताला भाई नीचे कर लोगों ताला बंद था। हाँ, किसके रूम का? अब उतना हम जानते हैं कि अब तक कितने रूमों को खोला गया आप अंदर मौजूद थे? दो रूम को। क्या सब सामान मिला है वहाँ पे? वहीं दूसरी ओर छात्र जनशक्ति परिषद के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सीबीआई की रेड के दौरान राबड़ी आवास में शोल्डर मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव सीबीआई की छापेमारी के दौरान मसाज करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।